राज भैया हमें काट के दिखाएंगे पाइनएप्पल। ये पाइनएप्पल की निंजा टेक्निक से काटेंगे इसको। आप देख रहे हैं कैसे कट रहा है। ये जैसे भैया काट रहे हैं ऐसे हम इस पाइनएप्पल को काट नहीं सकते, इसलिए हम जो है इसको छिलवा कर लेके जाते हैं भैया से, क्योंकि हमें काटना नहीं आता है। हम इनकी तरह एकदम प्रॉपरली इस ढंग से नहीं काट सकते हैं इसको जैसे भैया काट रहे हैं। यहाँ देखिए आज हम पाइनएप्पल काटने की बिल्कुल निंजा टेक्निक इन भैया से देखने वाले हैं। ये भैया की आप बॉडी शोडी देख सकते हो और ये बिल्कुल अच्छे से हमें जो है पाइनएप्पल की बिल्कुल निंजा टेक्निक बताएंगे और इसको कितने तरीके से काटा जा सकता है ये आज हम इन भैया से जानने वाले हैं। ये भैया ये आप देख सकते हो यहाँ पर पाइनएप्पल का साइज़ आप देख सकते हो, ये इस साइज़ के हैं, एक मीडियम साइज़ के हैं और एक बिल्कुल स्मॉल साइज़ के हैं। लेकिन हम इन यहाँ पर कभी भी अपने घरों पर लेकर नहीं जाते क्योंकि हमें इसको काटना ही नहीं आता है। या तो हम इसका जो है शेक पीते हैं या फिर हम इन्हीं से कटवाकर जो ऐसे खाते हैं। तो ये देखिए भैया बहुत ही अच्छी टेक्निक से, बिल्कुल निंजा टेक्निक से आज जो है इसको काटने वाले हैं। ये आप देख सकते हो कितना बड़ा इन्होंने जो है चाकू लिया हुआ है और किस तरीके से ये जो है इसको काट रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल ये जो है इस पाइनएप्पल का एक फ्लावर बनाने वाले हैं। ये एक बहुत ही अच्छी और यूनिक टेक्निक है, आप यहाँ पर देख सकते हो पाइनएप्पल काटने की। और गर्मियों में पाइनएप्पल बहुत ही अच्छा बताया जाता है, इसको खाना भी चाहिए। अभी आप देख सकते हो, अगर मैं आपको थोड़े बहुत दिखाऊँ तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल फूल बनाया हुआ है। तो अभी देखते रहिए कि देखते ही देखते कैसे 5 मिनट के अंदर ये इतना सख्त और कांटेदार फल जो है काट कर बिल्कुल मुलायम कर देंगे और जिससे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट भी आएगा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट जो है कटने वाला है। अभी शायद हमें सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं, 5 मिनट में ये ऐसा कट के जो है तैयार हो जाएगा कि आप जो है इसको अच्छे से खा पाएंगे। और ये आप देख सकते हो कि ये इतने सारे पैन भैया दिन में कितने पाइनएप्पल काटते हो आप? 100 पाइनएप्पल काटते हैं जी। 100 पाइनएप्पल जो है भैया ये जो है इसको काट देते हैं। ये बहुत ही अलग और यूनिक टेक्निक है, बिल्कुल अलग ही निंजा टेक्निक है पाइनएप्पल काटने की। तो अभी आप देखिए ये भैया ये जो इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको नहीं काटा जाता है? नहीं, इसको नहीं काटा, वो पकड़ने वाला पकड़ के घर पे काट सकते हो। अच्छा, घर पे काट सकते हैं। तो अभी ये समझो इसका छिलका बना सकते हो, पकड़ के स्लाइस बना सकते हो घर पे इसको। सलाद बना सकते हो? नहीं, स्लाइस पीस बना सकते हो इसका। कांटे होते हैं इनको काटा जाता है? इनको काटा जाता है, नहीं काटेंगे तो जीभ काट देगा। हाँ जी, ये जीभ काट देगा, खाना नहीं खा पाओगे। अच्छा, अगर हम इन्हें नहीं काटेंगे तो ये जीभ काट देगा जी। हमारी, और हम खाना जो है खा नहीं पाएंगे, खाने में दिक्कत हो जाएगी। खाने में दिक्कत हो जाएगा जी। तो ये भैया ये टेक्निक आपने कहाँ से सीखी थी? ये तो जी हमने मुंबई में सीखी था, कुलाबा में। मुंबई से आप जो ये टेक्निक सीखे थे, तो आपका ये दिन भर का यही काम है आपका पाइनएप्पल काटने का? यही काम है। अच्छा, तो आप इन्हीं को काट के करते हैं जी। ये देखिए ये बहुत ही बखूबी टेक्निक है, आप देख सकते हो कि चक्कू को किस तरीके से पकड़ा जाता है। इसको भी पकड़ने की एक अलग ही टेक्निक है, इसको पकड़ जाता है फिर इसको जो है इस तरीके से काटा जाता है। ये आप देख रहे हो पाइनएप्पल कितनी ही खूबसूरत यहाँ पे ये शेप ले चुका है, बहुत ही अनोखी ये टेक्निक जो कि आपको आसान करवा देगी कि आप किस तरीके से जो है पाइनएप्पल खा सकते हैं। तो वहाँ आप ये पाइनएप्पल देख सकते हो कि कितना खूबसूरत ये पाइनएप्पल तैयार हो गया है। अब ये देखिए इसको जो है ये काट के भी खाएंगे। ये देखिए बहुत ही फास्ट टेक्निक है, ये देखिए बिल्कुल जो है गुलाब के जैसे ये शेप में ये आपका पाइनएप्पल बनकर जो है तैयार हो गया है। तो इस पाइनएप्पल को जो है इस टेक्निक से आप घर पर काट कर जो है पाइनएप्पल खा सकते हैं। अगर जो लोग ये सोचते हैं कि पाइनएप्पल जो है हमें काटना नहीं आता और हम उसको घर कैसे लेकर जाएँ, तो इस टेक्निक से वो पाइनएप्पल काट कर जो है अपने घर पर ले जा सकते हैं और इसको खा सकते हैं। भैया आपका नाम? सुहेल खान। हाँ जी,